हमारा एग्जाम्पल कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करिए और एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस एक्स को फैक्टराइज करिए, मतलब कि इसके फैक्टर्स में तोड़िए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पॉलिनॉमियल दिया है, पर फैक्टर थ्योरम से बनाने के लिए हमें तो दो पॉलिनॉमियल्स की जरूरत होती है जिनमें से एक लीनियर पॉलिनॉमियल होता है। तो हम इस लीनियर पॉलिनॉमियल को सबसे पहले निकालेंगे और निकालने के लिए हम इसे अपने से अज्यूम करेंगे और इसे कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम इस पॉलिनॉमियल के लिए एक सिंबल ले लेते हैं जो कि इसे रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम x का वैल्यू अज्यूम करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वो वैल्यू पॉलिनॉमियल का जीरो है या नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमारे पास x का नहीं है, तो आप 1, 2, 3, 4 या कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस में अपने से पुट कर सकते हो। ये प्लस माइनस साइन यही बता रहा है। और हाँ, हमेशा 1 उसके बाद -1 से ही शुरू कीजिएगा ताकि आपका आंसर सही हो। अब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि दो पॉलिनॉमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है, मतलब कि px is equal to zero। अब आपको x का वैल्यू पुट करना है px में और देखना है कि पूरे पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है या नहीं। अगर वो वैल्यू जीरो आ गया, मतलब कि वो वैल्यू x जीरो होगा इस पॉलिनॉमियल का, मतलब कि उस वैल्यू से अगर हम डिवाइड करेंगे px को तो हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 पुट किया, आपको इसी तरह पुट करना है जैसे मैंने किया है। उसके बाद जहाँ जहाँ x था उसके जगह पर 1 पुट किया और फिर हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आ गया 0। अगर मान लीजिए आपका 1 पुट करने पर 0 नहीं आता तो हम -1 पुट करते, और अगर तब भी नहीं आता तो फिर 2, -2, 3, -3 पुट करते, और जिस वैल्यू से हमारा 0 आता वो एक 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाता। तो इससे हमें ये पता चला कि x माइनस 1 मेरा एक फैक्टर है px का। x माइनस 1 इसलिए हुआ क्योंकि x इज इक्वल टू 1 था, और हम 1 को LHS में ले जाएंगे तो हो जाएगा -1 और RHS में हो जाएगा 0। तो अब हमारे पास है दो पॉलिनॉमियल x माइनस 1 एंड px। अभी तक हमने जो किया वो दूसरा पॉलिनॉमियल निकालने के लिए था क्योंकि हमें यहाँ पर कोई दूसरा पॉलिनॉमियल नहीं दिया हुआ था। अब चलिए उन तीनों मेथड्स को समझते हैं। मेथड 2 में इस मेथड की खासियत है कि ये थोड़ा सा हार्ड है मेथड 1 से, पर ये कम टाइम लेता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसमें भी हम मेथड 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे, पर सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसमें डिवाइड करने के बजाय एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मेथड 1 में हमारे पास x माइनस 1 एंड px था, इसमें भी हम कोसाइन निकालेंगे एक ट्रिक की मदद से और फिर उसे फैक्टराइज करेंगे। तो वो डिवीजन ट्रिक है, सबसे पहले हम px में जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारे न्यूमेरिकल्स लिखेंगे उनके साइंस के साथ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। उसके बाद जो x माइनस 1 का 0 था जो कि था 1, उसे हम सबसे लेफ्ट में लिख देंगे कुछ इस तरह। अब आगे जो भी आपका सबसे पहला डिजिट होगा यहाँ पर है 1, तो इसे जैसे का वैसा ही उतार देंगे जो कि होगा 1। उसके बाद जो 1 आपने लिखा उसे मल्टीप्लाई करिए इस 1 से, और जो आंसर आया जो कि है 1 उसे लिख देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये 1 प्लस में था तो हमारे यहाँ पर +1 हुआ। अब -6 में +1 करेंगे तो हमारा आएगा -5। अब -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5, और इसे पुट कर देंगे यहाँ। अब 11 में -5 करेंगे तो आएगा 6। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो होगा 6, और पुट होगा यहाँ। अब -6 में +6 करेंगे तो हो जाएगा 0। अब क्योंकि इस पॉलिनॉमियल में है x, तो इन सब में लगा देंगे x। अब क्योंकि इसका डिग्री 3 है तो हम डिग्री 2 से शुरू करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2। उसके बाद -5x का पावर 1, डिग्री डिक्रीज होता जाएगा यहाँ से, और +6x का पावर हो जाएगा 0, जो कि फर्दर हो जाएगा +6, क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू होता है 1, और इसे जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा +6। तो हमारा क्वोशेंट मिल गया x² - 5x + 6। अब फर्दर इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आंसर यानी कि फैक्टर्स हो जाएंगे x-2 and x-3। इसमें भी आपको जो पहले फैक्टर निकला था जो कि था x-1, इसे भी यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि x-1 भी एक फैक्टर है, और फिर ये तीनों फैक्टर्स इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स कहलाएंगे। इस मेथड में भी बस इतना ही था। इन दोनों मेथड में आपका आंसर हमेशा सही आएगा।